जी नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का फार्मर द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके मौर्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हूं और मैं आज एक किसान के खेत में आया हूं जो धान के अवशेष बचे थे उसका कुट्टी के माध्यम से भैंस के चारा के लिए मशीन से मरवा रहे हैं और मैं उसी के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। चलिए हम चलते हैं उन किसानों से, किसान भाई से बात करते हैं जो इस मशीन से चारा वाली कुट्टी से मशीन से चारा काट रहे हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है और इसको कैसे कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आप अपना परिचय बताएंगे। राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी, आपका FTJ के यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। तो आप ये बताएंगे कि इसमें क्या कर रहे हैं। ये जो धान का एक बचा रहता है पूला, जी जी, थ्रेसरिंग करने के बाद तो इसका जो है चारा मशीन में ले रहे हैं, भैंस गाय खाने के लिए चारा मशीन में ले रहे हैं इसको काट। जैसा कि मतलब इसको आप भैंस को खिलाने के लिए मशीन के माध्यम से इसके चारा बना रहे हैं। चारा बनाने के बाद ये किस प्रकार बन जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे किसान भाई यहाँ पे आए और मुझे बताएं, जैसा कि आप आइए थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए कि ये मशीन काटने के बाद का है या काटने से पहले। काटने के बाद का है। काटने के बाद जी, जैसा कि बता रहे हैं जब काटे नहीं थे तो ये इस तरह का था, जैसा कि आप देख रहे हैं पुआल है और इस मशीन के माध्यम से इसको काटा जा रहा है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जा रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, और भैंस को खिलाने के लिए इस चारे का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारे सभी किसान भाई खेती जब करते हैं तो ऊपर का जो दाना होता है, अनाज होता है, वो अपने खाने के लिए प्रयोग करते हैं और जो बचा हुआ अवशेष होता है उसका भी प्रयोग जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कृषि में ये बताया गया है कि बिना पशुपालन का खेती संभव नहीं है। आप अगर खेती कर रहे हैं, आप एक किसान अच्छे किसान हैं, तो आपको पशुपालक भी होना चाहिए और पशुपालक के खाने के जो पशुपालक होते हैं अपने भैंस गाय को खिलाने के लिए बचे हुए अवशेष का प्रयोग करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि जो हमारे फसल अवशेष प्रबंधन में एक आया है कि हमारे किसान भाई अगर चारे के रूप में जब नहीं यूज करते थे तो उसको खेत में ही जला देते थे, उससे दो हानि होती थी। पहली बात तो जब जलाते हैं तो वो किसी काम में नहीं आता था, दूसरी चीज है कि उसके जो धुएं होते थे वो पूरे प्रदूषण पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर देते थे। तो ये इस तरह का मतलब ये नुकसान होता है और जैसा कि सभी चाहते हैं कि हमारा जो वायुमंडल हो वो प्रदूषित न रहे, शुद्ध रहे और हमारे जो जानवर हैं उनके खाने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि इधर कुछ सालों में चारा का रेट बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। मैं आपको अभी और कुछ दिखाऊंगा, देखिए जैसे महिला किसान भी लगी हैं, ये अकेले नहीं हो सकता है, काफी लोग मिलकर इसको मार रहे हैं